पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दोनों नेता पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर ईडी और आईटी के छापे डलवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी मंत्री अधिकारी के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि यहाँ पर छापे पड़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी विपक्ष उनकी छापा मार कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की जा रही है, जो सत्ता से बाहर है। उनको डराने के लिए इस तरह के छापे पड़वाए जा रहे हैं, लेकिन वह इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने अवैध रूप से धन कमाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी ने और संगठन के महामंत्री श्री विनोद गोपाल जी ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है और वे चुनाव के नतीजे आने तक जो इन क्षेत्र में हमारे AICC प्रदेश कांग्रेस कमेटी और निचले स्तर तक जो संगठन है उसके साथ काम करेंगे। आज पूरे देश प्रदेश में ये आम राय बन चुकी है, सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। और अब जैसी हमारे पास समाचार पत्रों के माध्यम से आपके माध्यम से सूचना आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ कैद किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ईडी आईटी सब लगी हुई है, क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहां पर अगर ईडी आईटी ये दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मंत्री उनके चहेते अधिकारी कर्मचारियों घर पर छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ राजस्थान में शासकीय जो सत्ता में है उस पर छापा डाल रहे हैं। ये उनके घबराहट की निशानी है और हमें जो सूचना मिल रही है, घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में उन घोटाले राजों के यहां जिनके पास सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली है, उन पर छापा नहीं डालेंगे। जो लोग सत्ता से बाहर हैं और जिन्होंने संघर्ष किया है, उन पर छापे डालने के लिए, दबाव डालने के लिए और उसका हथियार ईडी आईटी का हथियार का डर दिखाने के लिए यहां पर ये सारी व्यवस्था की जा रही है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, डरे वो जिसने बेईमानी का काम किया हो, जिसने आक्रोशित संपत्ति इकट्ठी की हो, वो डरे। कांग्रेस ही कोई डरने वाला नहीं है और इनकी गीदड़ भपकियों से। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।